हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? तो यार, ये वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग और प्रैक्टिकल होने वाली है. क्यों? क्योंकि हम मोंगो डी बी है ना, मोंगो डी बी को कनेक्ट करेंगे अपने एप्लीकेशन से. किसके थ्रू? मोंगोस के थ्रू. ठीक है, तो हम बेसिकली अपना डेटाबेस कनेक्ट करेंगे आज अपने एप्लीकेशन के थ्रू और देखेंगे वो कैसे किया जाता है. ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, आज तो व्हाइट बोर्ड पर कुछ पढ़ने ही नहीं, सीधा यार अपने इधर आओ ब्राउज़र पर और मोंगो डी बी सर्च करो. ठीक है, तो मोंगो डी बी का एक वर्जन होता है, मोंगो डी बी एटलस टाइप होता है. इसका क्या मतलब होता है कि हम मोंगो डी बी जो इंस्टॉल करते हैं ना, मतलब सॉरी मोंगो डी बी जो हम यूज़ करते हैं, उसका डेटाबेस दो तरीके से है. या तो हम डेटाबेस अपने सिस्टम में उसका वो कर ले बना ले डेटाबेस अपने सिस्टम में बना ले, या फिर डेटाबेस क्लाउड पे बना ले. तो हम डेटाबेस क्लाउड पे बनाने वाला वर्जन करेंगे. ठीक है, तो इसलिए मोंगो डी बी एटलस पे आ गए. ये मोंगो डी बी एटलस पे क्लिक करिए यार. ठीक है, और अकाउंट बना लीजिए आप लोग इतने. ठीक है, मेरा अकाउंट है तो मैं सीधा लॉगिन कर लूँगा, आप अकाउंट बना लो. ठीक है, तो ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. ठीक है, ये सब इसके थोड़े बहुत फीचर्स लिखे हुए हैं. जैसे अगर आपको अपनी बेस, चलो बताते हैं आगे जाके. साइन इन पे जाओ पहले, तो मतलब वही ट्राई फ्री करो तो अकाउंट बनाने उस पर आ जाएगा. मेरा बना हुआ है इसलिए मैंने साइन इन क्लिक किया है. ठीक है, ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं, डाल दो भाई साहब. ऑलराइट, क्या हो गया? ठीक है, क्लास रीलोड ऑन दो. चल रही है क्या? चलेगा, वापस सर्च कर लेते. इतने आप लोग अकाउंट बनाओ यार. तो स्किप कर लेना अभी अगर काफ़ी वैसे चल रहे हैं. ठीक है, ऑल राइट, तो अभी यार ईमेल एड्रेस वही वापस से डाल के देखते हैं, कुछ दिक्कत आ गई थी आई गेस. बिना पासवर्ड लिए ठीक है, खुल गया यार. ऑलराइट, तो क्या करो, आपने अकाउंट बना लिया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करिए और ना न्यू प्रोजेक्ट पे जाओ, न्यू प्रोजेक्ट बनाओ. ठीक है, तो क्योंकि हम ये क्या कहते हैं फूड ऐप बना रहे, तो अपने प्रोजेक्ट का नाम आप रख सकते हो. जैसे मैं रखूँगा फूड ऐप, रख देते हैं आपके प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट का नाम. ठीक है, खुल जाओ. ओके, प्रोजेक्ट नेम हम लिख देते हैं फूड ऐप YouTube. ठीक है, दिस फॉर यूट्यूब. सो ऑल राइट, आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट. जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए, हमें क्या प्रोजेक्ट में ना क्लस्टर्स बनाने होते हैं. ठीक है, तो हम क्लस्टर बनाएंगे और फिर वो क्लस्टर जब बन जाएगा तो उसकी कुछ सेटिंग्स होती है, क्या कहते हैं सिक्योरिटी सेटिंग्स होती हैं, हम वो उसको कॉन्फिगर करेंगे. ठीक है, तो देखो बन गया है. आपको किस पे करना है? बिल्ड अ डेटाबेस, मतलब क्लस्टर ही कहते हैं इसको, कुछ भी कह लो. तो डेटाबेस को बिल्ड करिए, ये फ्री वाला लेना यार. ठीक है, फ्री एंड हॉबी जो लिखा है इस पर क्लिक करो और क्रिएट पे क्लिक करो. ठीक है, तो इसके बाद AWS आ गया और सिंगापुर मुंबई वाला ले लो, सबसे पास वाला ले लो. ठीक है, जो सर्वर है वो मुंबई वाला सर्वर ले लिया हमने. ये हमें जो इनिशियली मिलती है 512 MB की स्टोरेज मिलती है. अगर हमें अपनी कभी स्टोरेज बढ़ानी होती है तो हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं 2 या 5 GB. ये पेड होता है, बाकी 512 MB वाला फ्री होता है. ठीक है, ऑल राइट, तो बस क्या कर दो, अब क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक कर दो. तो अभी जो क्लस्टर है ना, ये 2-3 मिनट लेता है प्रोविजन होने में, बनने में. ठीक है, तो ठीक है, आ जाओ. इतने हम क्या करते हैं, मोंगोज़ इंस्टॉल कर लेते हैं.
तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है अपने VS कोड पे और लिखना है NPM Mongoose, ठीक है, और ये इतने सॉल्व हो जाएगा। मोंगूज जैसे मैंने बता दिया था यार, मोंगूज क्या कहते हैं, वो एक ORM है, एक रैपर है, एब्स्ट्रैक्शन लेयर है हमारे MongoDB के ऊपर, जिससे हम क्या कहते हैं, हम थोड़ा सिंटेक्स फ्रेंडली हो जाता है हमारे लिए, ठीक है, हम बेसिकली क्वेरीज आसानी से लगा पाते हैं। ऑलराइट, सो ठीक है, अभी भी इसको थोड़ा टाइम तो लग ही रहा है, गैस डन है यार, हमारा मामला डन है। आप ये चेक कर सकते हो कि आपका हुआ कि नहीं, या तो मोंगूज वर्जन से, या फिर एक अच्छा तरीका ये भी है कि पैकेट और जेसॉन में जाओ और देख लो कि मोंगूज की डिपेंडेंसी आ गई कि नहीं आ गई। आ गई है तो मतलब बेसिकली इंस्टॉल हो गया, ठीक है, तो हम इसका थोड़ा कोड लिखना शुरू करते हैं जितने वो बन रहा है, क्योंकि हमने मोंगूज इंस्टॉल किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट मोंगूज को रिक्वायर करना पड़ेगा। तो आइए यार रिक्वायर कर लेते हैं मोंगूज को, ठीक है, ये मैंने रिक्वायर कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कनेक्शन बिठाना है, तो मोंगूज के हमें क्या मिलती है, एक प्रॉपर्टी मिलती है मोंगूज डॉट कनेक्ट, ठीक है, ये क्या लेगी, जो आपका डेटाबेस है ना उसका लिंक लेगी। ऑलराइट, और ये ना एक प्रॉमिस बेस्ड होता है, तो आप इस पर डॉट देन लगा सकते हो और आपको क्या मिलेगा, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर होता है डेटाबेस, ठीक है, तो आप अभी के लिए कंसोल करवा लेते हैं किन चीज़ों को, कि ऐसे लिखवा लेते हैं कि डेटाबेस कनेक्टेड, ठीक है, डेटाबेस कनेक्टेड, और कैच भी लगा देते हैं यार, अगर कोई एरर आएगा तो वही मालूम पड़ जाएगा कि क्या एरर आया, तो कैच फंक्शन, ये एरर आया, हम कंसोल करवा लेंगे इसको, आइए कंसोल डॉट लॉग एरर, कूल, ठीक है यार, इतना करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो DB का लिंक है अभी हम लेके आएंगे और मालूम पड़ेगा इसको कैसे, इसको भी कुछ सेटिंग्स होते हैं वो भी करेंगे, ठीक है। सो 3 of 3 हो गए यहाँ पर यार, बस थोड़ी देर में और होने वाला है, और क्या कर सकते हैं, इतना कर लिया हमने, हाँ ठीक है। एक हम जो लिंक है ऐसा होगा कॉन्स्ट DB लिंक इक्वल टू, और ठीक है, अब यहाँ पर लाके हमें एक लिंक मिलेगा, हमें वो पेस्ट करना है, बस इतना सा काम है, ठीक है, जस्ट इतना सा काम रहेगा हमारा। और फिर क्या होगा, हम फिर चला के देखेंगे फाइल कि यार हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ऑलराइट, सो भाई तुम भी बन जाओ फटाफट। ऑलराइट, सो यार कई घंटा थोड़ा टाइम लग जाता है, अगर 1 से 3 मिनट, 3 मिनट 4 मिनट, पता है क्या होता है, क्योंकि मोंगो ना कई बार अपने खुद के कुछ चेंजेस होते हैं ना वही डिप्लॉय कर रहा होता है, ठीक है, तो होपफुली और लकीली आज ऐसा नहीं है, तो हमारा काम जल्दी से बन जाएगा। सो लेट अस जस्ट वेट फॉर मे बी फ्यू मोर सेकेंड्स, आई थिंक इट विल बी डन। सो ओके, हमने ये ऐप वाली फाइल के अंदर किया है, लेकिन हम बाद में जो हमारा कोड है डेटाबेस का, इसको हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, ठीक है, अभी के लिए इस वाली फाइल के अंदर हमने किया है, ये आप लोगों को बता दिया। अच्छा हाँ, हम जो डेटाबेस का लिंक है ना, हम अभी के लिए तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन डेटाबेस का लिंक ना सिक्योरिटी वाली चीज़ होती है, वो हम ऐसे किसी को दिखा नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, उस वाली फाइल को ना अलग से एक सीक्रेट्स वाली फाइल में रख देंगे उस लिंक को, जिससे कोई हमारा लिंक देख ना पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी ऐप वाली फाइल भी कोई एक्सपोज हो जाती है, सर्वर वाली फाइल, तो किसी को हमारे डेटाबेस का लिंक ना मिले, वरना हमारा डेटाबेस ही पूरा एक्सपोज हो जाएगा। राइट, ठीक है, तो हम वो भी करेंगे। ऑलराइट, बन गया। तो यार यहाँ पर जो कनेक्ट का ऑप्शन देख रहे हो ना, इससे क्या होता है, इससे हम अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हैं MongoDB को, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी के अंदर ना कोई 2-3 चीज़ें हैं, उनका खास ख्याल रखना पड़ता है, आइए देखते हैं क्या है वो। तो आप डेटाबेस एक्सेस पे क्लिक करिए, एड अ न्यू डेटाबेस यूज़र करिए, ठीक है, अपने यूज़र का नाम रख लो, एडमिन लिख लो, ठीक है, एडमिन आपके यूज़र का नाम होगा ये, और पासवर्ड है ना वो ऑटो जनरेट कर लो, ठीक है, ऑटो जनरेट कर लिया, और उसको क्या कर लो यार, कॉपी कर लो, कॉपी करके ना एक जगह पेस्ट कर लो, जैसे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे जब चाहिए होगा ना, ये काम आएगा तो इसको पेस्ट ज़रूर कर लेना, मतलब यूज़ पेस्ट कर लेना, और रीड एंड राइट टू डेटाबेस नहीं, इसको एडमिन बना दो, ठीक है, अपने यूज़र को, और यूज़र को ऐड कर दो, ठीक है। देखो हमारे यार ये यूज़र ऐड हो गया है, ये पहला काम था, ठीक है। अब ये नेटवर्क एक्सेस में आइए और यहाँ पर IP एड्रेस ऐड करिए, ठीक है, देखो क्या लिखा है, कॉन्फिगर विच IP एड्रेस कैन एक्सेस योर क्लस्टर, ठीक है, मैंने एक IP एड्रेस के पे वीडियो बना रखी है पहले, वो देख के आइए अगर आपने वो नहीं देखी है तो, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि आप कॉन्फिगर करो, बताइए हमें कि कौन सा IP एड्रेस, कौन सा जो IP एड्रेस है वो हम आपके क्लस्टर को एक्सेस कर पाएगा, उस पर रिक्वेस्ट मारेगा, वो रिस्पॉन्स भेज देगा, बेसिकली उसका एक्सेस होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, या तो अपने आप होम वाईफाई से, वही वाईफाई से कनेक्टेड हो वो लिख लो,
ठीक है, लेकिन उसमें ड्रॉबैक क्या है यार, उसमें ये ड्रॉबैक है, अगर उसके अलावा आप अपना सिस्टम कहीं और लेके जाते हैं, दूसरे वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, कहीं और अपना काम करना चाह रहे हैं मोंगो डीबी वाला, ठीक है, तो क्या होगा कि कनेक्ट ही नहीं होगा डेटाबेस, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड आईपी एड्रेस में हमारे जो हमारा आईपी एड्रेस है हमने वो ऐड कर दिया, तो हम उससे बचने के लिए ना, देखो ऐड करंट आईपी एड्रेस पे क्लिक करूँगा ना, तो मेरा आईपी एड्रेस ये वाला करंट है। अब इसके अलावा जैसे अभी मैं पेपकोडिंग के वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, ये देखो पेपकोडिंग डेव 5G, अगर मैं इसके अलावा समझ लो इससे पेपकोडिंग एचआर वाले से या मार्केटिंग वाले से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ ना, तो मैं अपने मोंगो डीबी को एक्सेस ही नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है वाईफाई स्विच करो या मोबाइल डेटा पे आ जाओ, कोई वाईफाई बंद हो गया, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवे कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि अब कोई भी आईपी एड्रेस है ना, आप उसके थ्रू अपने डेटाबेस को कनेक्ट, अपने डेटाबेस के थ्रू कनेक्ट, अपने डेटाबेस को मतलब अपने एप्लीकेशन से कनेक्टेड रख सकते हो, ठीक है, कोई सिक्योरिटी लूप होल नहीं है ये, बस अभी हमारी सुविधा के लिए है। जब हम अपनी जो वेबसाइट को होस्ट करेंगे ना, तो जो होस्ट का आईपी एड्रेस होगा ना, हम यहाँ पर वो डाल देंगे, जिससे क्या कहते हैं, सिर्फ जो जहाँ पर हम हमारी वेबसाइट जिस डोमेन नेम के साथ जिस सर्वर पे होस्टेड है, उस सर्वर का हम आईपी एड्रेस डाल देंगे, तो वही सर्वर हमारी वेबसाइट को मतलब हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है, तो इसको कन्फर्म कर दो यार। ये हो जाने दो इसको, ये हो जाएगा। अब हम वापस कहाँ आते हैं, अपने डेटाबेस पे आते हैं, ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, ये जो कनेक्ट है ना, कनेक्ट पे क्लिक करना है। अब इस पे कनेक्ट पे क्लिक किए तो सेकंड ऑप्शन देखिए, कनेक्ट योर एप्लीकेशन, आप उस पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हमें अपना एप्लीकेशन कनेक्ट करना है। हमें ये मिल गया हमारा डेटाबेस का लिंक, इसको कॉपी कीजिए, ठीक है, हमने यूज़ करना है ना इसको, और कहाँ, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, आपने पेस्ट कर दिया। अब एक चीज़ ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस पासवर्ड विद द पासवर्ड फॉर द एडमिन यूज़र, ठीक है, हमने एडमिन यूज़र का पासवर्ड कहाँ पर सेव करवा के रखा था ना, इस यहाँ पर, तो इसको यार अब कॉपी कर लो, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया हमने, और हमारे उस पर जाइए, यहाँ पर आए, और इतना जो पार्ट है ना इसको सिलेक्ट करिए, और इसके लिए हमारा पासवर्ड पेस्ट कर दीजिए, डन है, इतना डन है, और बाकी हमने कोड तो अब लिख ही लिया है, तो चलिए एक बार चला के देखते हैं। ऑल राइट, तो लिखते हैं नोड और ऐप वेर इन फोर ऐप, ऑल राइट, तो कनेक्ट हो गया होगा ना, तो डेटाबेस कनेक्टेड लिखा आ जाएगा, कुछ गड़बड़ आ गई होगी तो एरर आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है, देखो क्या हो गया, डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब एक और चीज़ कर सकते हैं कि जैसे हमें जो डेटाबेस मिला है ना, हम इसको कंसोल भी करा सकते हैं कि हमें क्या मिला क्या है, ठीक है, तो आ जाओ कंसोल डॉट लॉग डी बी, एक बार सर्वर बंद करते हैं और वापस से चलाते हैं। ऑल राइट, तो ये देखो हमारा जो डेटाबेस है कैसा है हमारे मॉन्गूस का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कनेक्शंस, ठीक है, यही करती है मॉन्गूस, देखो भाई मॉन्गूस की लेयर चढ़ चुकी है इससे, आप देख सकते हो, ये देखो लिसनिंग फॉल्स, किसने कॉल किया, रेडी स्टेट प्लगइन्स, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, फिर इवेंट्स कुछ हैं, ऑप्शंस, ये स्कीमा के बारे में, ठीक है, देखो टाइप्स क्या रहेंगे हमारे, डेटा टाइप, स्ट्रिंग, बूलियन, ये सब, मतलब बहुत कुछ होता है इसके अंदर, और ये हमारा डीबी कनेक्टेड आ गया। तो यार अभी तक तो हमारा इतना काम हो गया कि हमने क्या कर दिया, अपना डेटाबेस कनेक्ट कर दिया है, अपने एप्लीकेशन को कनेक्ट कर दिया है, मतलब हमारे डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया हमारे एप्लीकेशन से, ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है स्कीमा, तो स्कीमा बनाने के लिए हम किस चीज़ का, हम एक यूज़र का स्कीमा बना लेते हैं, जब वो साइन अप करता है, साइन अप पेज पे कोई यूज़र जाएगा तो उसका स्कीमा बना लेते हैं हमने, और ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख लिया था ना कि हमने साइन अप पेज पे कुछ फील्ड्स मांगी थी उससे, ईमेल, नेम और पासवर्ड, ठीक है, तो हम वैसे उसका स्कीमा बना लेंगे। ऑल राइट, तो आइए यार इसका स्कीमा बना लेते हैं, हाँ ठीक है यार, ऑल राइट, तो आ जाइए, यूज़र स्कीमा इज इक्वल टू, हम लिख देंगे न्यू, नहीं सॉरी, मॉन्गूज डॉट स्कीमा, मॉन्गूज डॉट स्कीमा, और हमारे यार स्कीमा का जो नाम होगा वो लिख कर दो, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीधा यहाँ पर हमने अपनी वैल्यूज डाल दी, तो हम लिख देंगे हमें नेम चाहिए पहले, नेम, और फिर ये उसका ढांचा हो गया कि अब नेम हमारा दिखना कैसा चाहिए, हम चाहते हैं कि जो हमारा नेम हो ना वो कैसे टाइप का हो, वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है, हमें वो फील्ड चाहिए ही चाहिए, तो रिक्वायर्ड कर दिया ट्रू, ठीक है, इतना। अब दूसरी हमें क्या चीज़ चाहिए, ईमेल, ठीक है, तो ईमेल का टाइप क्या होगा, उसका भी टाइप स्ट्रिंग होगा, टाइप ये हटाओ,
टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, रिक्वायर्ड वो भी चाहिए है तो उसको भी रिक्वायर्ड ट्रू कर दीजिए। और एक चीज़ और, ठीक है, रिक्वायर हो गया, हमें एक चीज़ और का ध्यान रखना है स्पेशली, कि क्या ईमेल हमारा ना यूनिक होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि कोई दो बंद कि कोई एक ही ईमेल आईडी से दो दो अकाउंट्स बन गए, तो हम क्या करेंगे, यूनिक ट्रू कर देंगे। कि इससे क्या होगा कि जब कोई समझ लो किसी ने abc@gmail.com से हम अकाउंट बना रखा है, ठीक है, अब कोई दूसरा बंदा आएगा वो abc@gmail.com वाली ईमेल आईडी यूज़ ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये यूनिक ट्रू की वजह से। इतना हो गया पासवर्ड चाहिए हमें, ठीक है, तो पासवर्ड भी टाइप ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगा कि अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी हो सकता है, रिक्वायर्ड ऑब्वियसली हमें चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही हमें एक और फील्ड चाहिए रहेगी, कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड भी होता है ना जनरली, हमने बनाई नहीं वो बात अलग है, लेकिन बनानी चाहिए, ठीक है। तो कंफर्म पासवर्ड पे हमने क्लिक किया, ये हो गया, ठीक है। तो ये ना मेरा स्कीमा बन चुका है, मेरे स्कीमा का क्या नाम है, यूज़र स्कीमा, मेरा एक ढांचा बन चुका है। अब मुझे उसको बताना है कि ये ढांचा किसके लिए काम आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या बनाना है, मॉडल्स बनाने हैं, मॉडल बनाना है, ठीक है। तो मॉडल बनाने के लिए यार हम क्या करेंगे, मॉडल बनाने के लिए हम हमारे मॉडल का नाम लिख लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट यूज़र यूज़र मॉडल रख लेते हैं उसका नाम, और इज इक्वल टू मॉन्गूस डॉट मॉडल प्रॉपर्टी। ये पहला पैरामीटर क्या लेता है, ये पहला पैरामीटर लेता है हमारे जो मॉडल का हम नाम क्या रखें, ठीक है। ये तो मैंने इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर जो मैं लगता हूँ ना वही यहाँ पर सेम लिख देता हूँ, ठीक है, मेरी ये आदत है। तो आप भी वो कर सकते हो कि यही मेरे मॉडल का नाम होने वाला है, और ये जो मॉडल बनेगा किससे किसके किससे बनेगा, यूज़र स्कीमा से। तो ठीक है, यहाँ पर स्कीमा का नाम लिखना होता है कि किसके से हमें मॉडल बनाना है, मतलब कौन से ढांचे से हमें गाड़ी बनानी है, वो वाला एग्जांपल, ठीक है। तो अब क्या हुआ यार, मेरा यूज़र मॉडल बन चुका है, ऑल राइट। सो और ठीक है, स्कीमा बना लिया, यूज़र मॉडल बना लिया, अब हम क्या करते हैं, चलिए एक ना यूज़र बनाते हैं, फंक्शन क्रिएट यूज़र, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा भी क्या मतलब है, हमारा ये मकसद है कि हम एक यूज़र बनाकर उसको क्या कहते हैं हमारे डेटाबेस में डाल दे वो एंट्री, जिससे हम देख पाएँ कि हमारा डेटाबेस सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। हमें मालूम है कौन वो हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी कि हम क्या चाहते हैं कि एक यूज़र क्रिएट यूज़र यहीं से फंक्शन लिख देंगे, बाकी ये हम फ्रंट एंड से बैक एंड के थ्रू करेंगे अभी के लिए, फॉर सिंप्लिसिटी पर्पसेस हम यहीं से कर रहे हैं, ठीक है। सो एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यूज़र इज इक्वल टू क्या होगा उसके नेम के आगे, समझ लो मारियो अभिषेक पड़ा है, ठीक है। हमें फिर क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, ईमेल के आगे हम डाल देते हैं abc@gmail.com, एंड देन हम पासवर्ड चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उसका पासवर्ड या कुछ भी लिख दो, मैं 123456789 कर रहा हूँ। कंफर्म पासवर्ड भी चाहिए उसको, ठीक है, वो भी सेम डालना होता है, 123456789, ऑलराइट। इतनी बात हो गई हमारी, अब हमें क्या कर, अच्छा हाँ एक और चीज़ यार, हम पासवर्ड में ना एक और चीज़ कर सकते हैं, मिन लेंथ, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी जो पासवर्ड है, हमारी जो पासवर्ड का जो लेंथ हो वो कितना होना चाहिए मिनिमम, तो समझ लो मैं चाहता हूँ मेरे पासवर्ड का मिनिमम लेंथ 7 हो, चलो 8 तक ही ना, तो 8 मिनिमम लेंथ हो, ठीक है। तो ये इंश्योर करेगा कि हमारे जो पासवर्ड है उसका मिनिमम लेंथ 8 हो, वरना फिर वो एरर दे देगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि हमारा मॉन्गूस किस काम के लिए, वैलिडेशन के काम के, वैलिडेशन का भी काम करता है, ठीक है, और स्कीमा डिज़ाइन करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये भी एक काइंड ऑफ वैलिडेशन ही है ना, कि रिक्वायर आ गया, वैलिडेट कर दिया रिक्वायर्ड है, तभी हमारा डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर होगा, वरना फिर एरर थ्रो करेगा। यूनिक होगा तो सही चलेगा, मिनिमम लेंथ 8 होनी चाहिए, वरना फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, एरर थ्रो करेगा। ऑल राइट, तो यार इतना कर दिया, अब हमें क्या करना है, हमारा जो मॉडल है ना, हमारे मॉडल के ऊपर हम फंक्शंस होते हैं, हम वो उनको यूज़ करके हमारे डेटाबेस के अंदर ये यूज़र ऑब्जेक्ट है ना, इसको क्रिएट करना चाहते हैं। ऑल राइट, तो यूज़र मॉडल को उठाया, यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट, और ये ना एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो हमने इसको यूज़र पास कर दिया, ठीक है। और समझ लो हमने इससे लेट डेटा, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा वो वाला डेटा जो इसने इसके अंदर डाला है, तो बेसिकली यही ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्योंकि ये जो काम है ये एसिंक अवेट, मतलब प्रॉमिस बेस्ड होता है, तो हम इसको एसिंक अवेट भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर अवेट आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि अवेट हो गया तो फंक्शन क्या हो गया यार, ये एसिंक हो गया, ये फंक्शन हमारा एसिंक हो गया,
हाँ ऑल राइट, तो अब इस पर यहाँ पर लॉक करवा लेते हैं, कौन सा हमारा डेटा को हम लॉक करवा लेंगे, कंसोल डॉट लॉक डेटा। कूल, इतना हो गया। अब एक और चीज़, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम करना तो नहीं पड़ेगा, हम उसको कॉल करने की जगह हम क्या कराते हैं, इमिजिएटली इन्वोक फंक्शंस बना लेते हैं, ठीक है। इफ़ इज़ ठीक है, इसको यहाँ पर बंद करो और फिर इसको इन्वोक कर दिया। ऑल राइट, तो यार इतने में कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको अपना चला के देखते हैं, आई होप कोई एरर ना आए, आएगा तो ठीक है यार रिजॉल्व कर लेंगे, कोई ऐसी वो नहीं है। ठीक है यार, देखो डेटाबेस कनेक्ट हुआ और ये हमारा जो है बन गया। आप ये देखो यार, हमने ऑब्जेक्ट आईडी और वी तो डाली नहीं थी, ठीक है। तो ये क्या हमारा डेटा ना आया कि जो उसने डेटा डाला था ना उसके अंदर, हमारे मोंगो डीबी के अंदर उसने डेटा डाला, वो पूरा का पूरा डेटा उठ के आ रहा है। तो मोंगो डीबी क्या करता है, साथ में ये दो चीज़ें अपनी भी डालते हैं, तो ये वो भी उठ के आ गई, ठीक है। एक बार अपने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, मोंगो डीबी पे चलते हैं और ब्राउज कलेक्शंस पे चलते हैं कि भैया सब सही है कि नहीं है। तो माय फर्स्ट डेटाबेस के अंदर हमें कौन सा यूज़र बॉर्डर सेलेक्ट करता है, ठीक है यार कूल। ये देखिए क्या हुआ, मोंगो डीबी में हमने यही सब डाला था ना, अभिषेक abc@gmail.com और पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड। ये वी होता है, ये वर्जनिंग के लिए होता है, ये अभी से कोई काम नहीं है तो छोड़ दीजिए। और ये हाइफन आईडी होता है, ये मोंगो डीबी ये भी खुद ही डालता है। इससे क्या होता है, इससे हमारा ये जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है ये हमारी हर डॉक्यूमेंट को, ठीक है। ये एक चीज़ क्या है डॉक्यूमेंट, अब ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे तो इनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे कि क्या है यार, ये हमारा कलेक्शंस है, ठीक है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, टोटल डॉक्यूमेंट्स 1, और ये इसको क्या कह रहे हैं, कलेक्शन साइज़ का है 128 bytes, ठीक है। एक और करके दिखाते हैं, एक और करते हैं, अभिषेक की जगह हम यहाँ पर ले लेते हैं जसबीर, ठीक है। जसबीर भैया का क्या ABCD कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ करते हैं, जसबीर कर दिया लेकिन ईमेल नहीं बदलता। ईमेल में देखो मैंने आपको बताया था ना क्या है, रिक्वायर्ड ट्रू के साथ साथ हमने यूनिक चाहते हैं। अब ऑलरेडी मेरे डेटाबेस में abc@gmail.com है, ठीक है। तो देखना ये एरर थ्रो करेगा, करके देखते हैं। ऑलराइट चलो आगे यार, एरर आइए, एरर पढ़ते हैं साथ में। e1100, ये हमारे 11000, ये हमारे एरर का नाम है, डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन, ठीक है। यूज़र मॉडल इंडेक्स, ठीक है। ईमेल डुप्लीकेट की, कौन सी ईमेल, abc@gmail.com डुप्लीकेट है, ठीक है। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब हम क्या करना है, ऑब्वियसली ये इसलिए हमारा क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारी वैलिडेशन में चीज़ों की। देखो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो 1 2 3 4 6 8 ना, तो 7 हटा दो, ठीक है। एक बार ये वाला एरर भी दिखाते हैं आप लोगों को, क्या हमने मेन लेंथ क्या बोला है कि यार हमारा कितना होना चाहिए, मेन लेंथ 8, और ये आया हमने कितना डाला है, 7, ठीक है। एक मिनट, इसको ABCD तो कर दें, ठीक है। 2 मिनट, ओके। आई थिंक ये मिन नहीं होता, इसका मिन लेंथ होता है ये, ठीक है। एक बार मिन लेंथ कर लेते हैं, आई थिंक एक बार करके देखते हैं, सॉरी। चलिए नोड ऐप पे चलते हैं। हाँ आया, एरर आया था ना, एरर आया था ना। अच्छा पहले तो डेटाबेस ही हटवाओ यार, ये प्रिंट कर रहे हैं ना, तो थोड़ा हमारा वो बड़ा होता जा रहा है, इसको हटाओ। कंट्रोल सी, ठीक है यार एरर आ गया। ये देखो, वैलिडेशन फेल्ड, पासवर्ड इज शॉर्टर दैन द मिनिमम लेंथ अलाउड 8, कंफर्म पासवर्ड ये वो, ठीक है। कि हमने बोला था कि 8 का आना चाहिए, आपने 7 का दिया, तो इसलिए ये एरर है। ऑल राइट, तो यार ये दोनों चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। अब एक बार अपना जो एक्चुअली में जो डेटा है ना वो डालने की कोशिश करते हैं, जिससे मैं आपको दिखा सकूँ कुछ और चीज़। 1 2 6 7 8, 7 8, ठीक है। आइए अब क्या हो गया, ओके आई थिंक ना ये क्या कहते हैं, तब भी ना वो बनाया था, एक बार डॉक्यूमेंट बनाया था, वो जाके चेक करें क्या। 1 मिनट, हाँ इसने डॉक्यूमेंट बना दिया। देखो ईमेल वाले केस में इसने, यूनिक वाले केस में डॉक्यूमेंट नहीं बनाया था, लेकिन जब हमने पासवर्ड वाला किया ना तो इसने बस वो एरर थ्रो किया और बना दिया। एक बार इसको डिलीट करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए वो।
ठीक ठीक है, चलिए आइए, वह देखते हैं ऐसा बना देते हैं क्या। आपके साथ ही कुछ नई चीज़ सीखने को मिल गई, ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमारा पासवर्ड का एरर आ गया, तो एक बार ये देखते हैं यहाँ पर ये बनाता है कि नहीं, रिफ्रेश करते हैं। वही ना, नहीं बनाना चाहिए, वही नहीं बनाया तो वही यार फंडामेंटल सही है यार मेरे। ठीक है, तो उस समय कोई एरर आ गया था, वो एकदम से मैंने वो टर्मिनल में ना कुछ चीज़ें उल्टा पलटी हुई थी उस समय, जब मैंने कहा था ना कि ये मोंगोडी वाला हटाओ, तो मैं भी इसलिए कुछ एरर आया होगा, तो ये बेसिकली बनाता नहीं है। ऑल राइट, तो यहाँ पर अपना 8 वाला लिखते हैं, ठीक है, तो वही कुछ एरर आएगा तो वहाँ पर नहीं, कुछ नहीं बनाएगा, सौ बात की एक बात। आइए अब अपना ये सब कुछ सही है, अभी वहाँ पर पुश होएगा, मतलब बेसिकली ऐड होएगा। ठीक है, हो गया यार, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बारी। हमारे पहले देखिए उसका 128 बाइट्स है ना साइज़, अब देखो 255 बाइट्स हो गया और टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स 2 हो गए, क्योंकि हमने दो डाल दिए, तो ये इंडिविजुअली क्या है, एक डॉक्यूमेंट, ये है सेकेंड डॉक्यूमेंट, और ये दोनों ऑन अ होल के, सो क्या कहते हैं इनको, कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑल राइट, कितनी बातें बता दी आपको, वैलिडेशन की बातें बता दी, ठीक है, अब यार एक काम और कर लेते हैं। कंफर्म पासवर्ड मेन लेंथ बता दिया, ठीक है। हाँ यार, ये देखो कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो है ना, हटाओ पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड क्या हमारा बेसिक क्या रहेगा, हम चेक करेंगे कि पासवर्ड सही है क्या गलत है, कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड मैच करने चाहिए ना, तो हम ये चीज़ देखेंगे, ये हम देखेंगे हुक्स के थ्रू कि MongoDB में हुक्स क्या होते हैं, ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में नहीं, आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।